हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी गाड़ी का जो कि कम बजट में आपको सीएनजी के मजे देगी। बेसिकली अगर आपका बजट कम है ना, आपकी रनिंग ज्यादा है और आप ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जो कि कम बजट में और कम लो, मतलब सब कुछ कम है आपका, कम बजट में आप देख रहे हो और प्लस बड़ी गाड़ी देख रहे हो फैमिली के लिए और एक सीएनजी में देख रहे हो, तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इससे चीपेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं टाटा पंच की, जो मात्र 7,22,000 रुपए की एक शोरूम पड़ती है, और दिल्ली ऑन रोड की बात करेंगे तो 8,12,000 रुपए का सीएनजी वाला वेरिएंट, जो कि इसका बेस वेरिएंट है प्योर, वो आपको पड़ जाएगा। इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें ऑफर होती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। अभी मैं बैठा हूं गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है इंटीरियर को लेकर। जैसा इंटीरियर इसके टॉप वेरिएंट में आता है उसी तरीके का इंटीरियर आपको बेस वेरिएंट में मिलेगा। मैं आपको स्टार्ट करता हूं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो कंप्लीटली डिजिटल है। बीच में जो है वो आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, लेफ्ट में जो है वो आरपीएम का मीटर मिलेगा, और यहां पर ऊपर जो है वो सीएनजी की फ्यूलिंग है और यहां पे पेट्रोल की फ्यूलिंग है। एक सबसे अच्छी बात क्या है कि गाड़ी जो है वो पेट्रोल से स्टार्ट नहीं होती है, सीएनजी से ही स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कुछ गाड़ियां होती है, मारुति की गाड़ियां स्पेसिफिकली क्या होती है कि पेट्रोल चाहिए होता है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप डायरेक्ट सीएनजी से स्टार्ट कर सकते हो। वहीं पे साइड में आप देखोगे तो यहां पे बटन मिल जाएगा जिसको फ्यूल को चेंज करने के लिए, पेट्रोल से सीएनजी और सीएनजी से पेट्रोल को चेंज करने के लिए। बाकी डैशबोर्ड का लेआउट देखिए, कंप्लीटली वही वाला है जो टॉप वेरियंट के अंदर मिलता है, उसी तरीके का लेआउट इसके अंदर मिलेगा। ड्यूअल टोन भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, बेज व्हाइट है, थोड़ा सा ऑफ व्हाइट कह सकते हो, बाकी यहाँ पे ब्लैक कलर का मिलेगा। बाकी टेक्सचर जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है यहाँ पे और यहाँ पर भी। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो काफी बड़ा सा ग्लव बॉक्स आप देख सकते हो मिल जाएगा विद टू कंपार्टमेंट्स। एसी के वेंट्स है वो पियानो फिनिश में मिल जाएंगे, हालांकि इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर नहीं मिलता है, वो आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। स्पीकर्स भी इसके अंदर नहीं आते, वो भी आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हो। तो 10-15 हजार रुपए में काफी अच्छी क्वालिटी की आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। बाकी एसी का कंट्रोल देखिए कंप्लीटली जिस तरीके का ऊपर वाले वेरिएंट्स में आता है उसी तरीके का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई थोड़ा सा कुछ भी नहीं है, ब्लॉक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। 5-speed मैनुअल गियर के साथ ये गाड़ी आती है, यहाँ पे आपको 12-watt का सॉकेट मिल जाता है थोड़ा सा स्पेस की वगैरह रखने के लिए, और बाकी यहाँ पे ब्रेक लीवर है, इसका जो हैंड ब्रेक लीवर है वो मिल जाएगा। बाकी 2 cup holders मिल जाएंगे। थाई सपोर्ट की कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में, काफी अच्छा थाई सपोर्ट मिल जाता है। 5'7" मेरी हाइट है, थाई पूरी टिकी हुई है, और बैक सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा, देखिए कितना डीप है। बाकी फैब्रिक में आपको सीट्स मिलेगी और एड्रेस जो है वो भी काफी अच्छा मिल जाएगा। बाकी IRVM आपको बिल्कुल बेसिक वाला मिलेगा, कोई डे एंड नाइट मैनुअल भी इसमें नहीं आता है। लाइट जो है वो येलो कलर की मिलेगी और मिरर जो है वो नहीं मिलता आपको इस गाड़ी में। बाकी स्टेयरिंग देखिए उस तरीके का है, हॉर्न जो है वो डिसेंट है, और ये जो होल्ड करने के लिए है ना स्टेयरिंग को, वो काफी अच्छा है। बाकी नीचे जो है फ्लैट सरफेस के साथ इसका स्टेयरिंग आता है, और ये जो इसका लेआउट है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हो गाड़ी में बैठोगे, इसको चलाओगे, फील करोगे, वो काफी अच्छा है। बाकी स्टेयरिंग जो है ना वो टिल्ट हो जाता है, मैं इसको यहां से आप इसके देखोगे तो टिल्ट हो जाता है, टेलीस्कोपिंग नहीं होता है, तो बेस वेरिएंट में इतने काफी है। और बाकी डोर की बात करेंगे तो डोर में देखिए यहाँ पे पियानो फिनिश में मिलेगा इसका जो हैंडल है, और बाकी ब्लैक और व्हाइट वही कॉम्बिनेशन है। 2 power windows आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, की रख सकते हो, बाकी कॉइन्स वगैरह रख सकते हो, और यहाँ पर भी आप थोड़ा सा कॉइन्स वगैरह रख सकते हो। बाकी यहाँ पे प्रैक्टिकल स्पेस की कोई कमी नहीं है, आपको अम्ब्रेला रखने के लिए यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, और यहाँ पे बॉटल रख सकते हो, बाकी थोड़ा सा स्पेस और इसके अंदर मिल जाएगा। बाकी हाइट एडजस्ट नहीं आता है, लेकिन बैक एडजस्ट आपको इजिली मिल जाएगा। एक अच्छी बात इसके अंदर क्या लगती है कि आपको डेड पैडल मिल जाता है यहाँ पे, जैसे लॉन्ग रूट पे आप जा रहे हो तो आप रेस्ट करना है अपने पैर को, तो आपको डेड पेडल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और मिल जाएगा। बाकी इस गाड़ी के अंदर ना ये देखिए कितना बड़ा ग्लास एरिया है, काफी एरी फील होता है, इसी यही रीजन है कि गाड़ी काफी ज्यादा बिक रही है, वन ऑफ द टॉप सेलिंग में भी ये गाड़ी रहती है। बाकी हेडरूम की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 5'7" मेरी हाइट है जस्ट फॉर रेफरेंस, उसके बाद देखिए 7-8 inches का मेरे को आराम से हेडरूम इसके अंदर मिल रहा है, और काफी कंफर्टेबल मैं बैठा हूं इस गाड़ी के अंदर। तो ये था भाई फ्रंट में, रेयर में चलते हैं, और रेयर में चलने के बाद फिर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊंगा, एक्सटीरियर भी दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें गाड़ी ऑफर करती है। तो रेयर को एक्सेस करने के लिए यहां से करना पड़ेगा, इजीली आप एक्सेस कर सकते हो, अंदर बाहर जा सकते हो गाड़ी के। थाई रूम की कोई अच्छा खासा थाई रूम आपको मिल जाएगा, देखिए कितना ज्यादा है, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है पहले में, और इसमें जब से प्लेटफॉर्म चेंज किया है ना, जो ईवी वाला प्लेटफॉर्म है उसी वही प्लेटफॉर्म में ये लेके आए हैं, तो जो इसका हम्प है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये वाला स्पेस जो थोड़ा सा कम होता था वो भी प्रॉपर आ चुका है। थाई सपोर्ट की कोई भी कमी नहीं है, देखिए थाई किस तरह से टिकी हुई है, थोड़ा सा ऊंचा भी है, और बैक सपोर्ट की भी कोई कमी नहीं है, और 2 headrest आपको मिलेंगे जो एडजस्टेड नहीं है,
फिक्स हेडरेस्ट है बट काफी सॉफ्ट है। कुशनिंग जो है गाड़ी की, कुशनिंग जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। और 2 पॉइंट सीट बेल्ट आपको बीच में मिलेगी और 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको 2 पैसेंजर्स के लिए मिल जाएगी। बाकी एरी फील होने वाला है, अच्छा खासा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रैब हैंडल भी दिया हुआ है यहाँ पे दोनों ही साइड में, फ्रंट में दोनों साइड में नहीं आता। एयरबैग जिसके 2 फ्रंट में आ जाते हैं। और डोर की बात करेंगे तो डोर में देखिए यहाँ पे जो है वो पियानो फिनिश में ही, यहाँ पे वही डुअल टोन। जो इसका मिरर को ओपन करना चाहते हो तो मैन्युअली ही आपको आपको इसको ओपन करना पड़ेगा और मैन्युअली ही क्लोज करना पड़ेगा। बाकी स्पेस वही प्रैक्टिकल स्पेस की कोई कमी नहीं है। 1 लीटर की बॉटल बहुत ही आराम से फंस सकती है, थोड़ा सा स्पेस और इधर दिया हुआ है। और 3 लोग बड़े प्यार से बैठ सकते हैं, अगर हेल्दी होंगे ज्यादा तो प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी हेडरूम की तो कोई कमी है ही नहीं, 4 to 5 inches का हेडरूम भी मेरे को मिल रहा है। पीछे भी हो जाऊंगा ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, काफी ऊंचा फील कराएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने वाले जो फ्रंट में बैठे रेयर में बैठे वही, पीछे जो बैठे हैं उनको भी काफी अच्छा स्पेस इसमें ऑफर होता है। अब गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा है वो देखते हैं। गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करें तो फ्रंट लुक आप देख सकते हो काफी ज्यादा अमेजिंग है। हेडलैम्प जो है वो हेलोजन मिल जाता है, लो बीम हाई बीम इसी में मिलेगा। यहाँ पर जो है वो पार्किंग बल्ब मिलता है और ये इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी इसकी फ्रंट की जो ग्रिल है वो इस तरीके की मिलेगी, पियानो फिनिश में, टाटा का 2D लोगो आ चुका है यहाँ पे विजिबल है इसका हॉर्न। और ये इसका ओवरऑल लुक है, बाकी ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो स्पेसिफिकली ये वाला जो कलर है व्हाइट, मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है टाटा पंच के अंदर। और बाकी यहाँ पे फॉग लैम्प की यूनिट्स है, आता नहीं है तो ये जस्ट खांचे दिए हुए हैं, इसमें आप लगवा सकते हो। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करेंगे, साइड प्रोफाइल में आपको सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसके अंदर 15 इंचेस का टायर मिलता है जिसका साइज है 185/70 R15। तो काफी अच्छा खासा टायर साइज इसमें मिल जाता है जो कि ऑफ रोडिंग के लिए या इसको कैपेबल बनाता है पहाड़ों के लिए या खराब रास्तों के लिए भी। बाकी ORVM के अंदर ही इंडिकेटर आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ब्लैक कलर का मैट फिनिश में ORVM है और इसके अंदर इंटीग्रेटेड इंडिकेटर है, काफी अच्छी बात है। रूफ रेल इस गाड़ी के अंदर नहीं आता है। डोर हैंडल्स हैं वो भी मैट फिनिश में ही आएंगे, बॉडी कलर नहीं आते। ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन वैसे भी काफी अच्छा लग रहा है। माफ करना थोड़ी सी गंदी हो रखी है यहाँ से, क्योंकि कल बारिश हुई है रात को तो इस वजह से थोड़ा सा गंदी हो रखी है। बाकी रेयर से अगर देखोगे तो रेयर से भी ये गाड़ी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। स्टॉप माउंट लाइट इसके अंदर आ जाती है और ये इसका डिफॉगर वगैरह कुछ भी नहीं आता इसके अंदर, 2D लोगो आता है, पंच की बैजिंग, ICNG क्योंकि CNG वाली है। बाकी पूरा हेलोजन सेटअप के साथ इसकी टेल लैंप आती है और रिफ्लेक्टर्स भी 2 आपको मिल जाएंगे और पार्किंग सेंसर्स भी इसके अंदर मिल जाते हैं। वहीं बूट स्पेस की बात करेंगे तो भाई बहुत अच्छी बात है कि CNG होने के बावजूद भी इसके अंदर 210 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है, काफी अच्छी बात है। मैं अभी ट्रैवल करके आया हूँ, मुझे मेरे पास टाटा की गाड़ी नहीं है, सिलेंडर है CNG का, तो उसके साथ सामान रखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट ये इसके अंदर ये पॉजिटिव है कि सिलेंडर होने के बाद CNG का भी आपको बूट स्पेस इसमें मिल जाता है। बाकी यहाँ पे 1 kg का दोनों साइड में हैंग करने के लिए आपको हुक्स मिल जाएंगे और गाड़ी के साथ आपको पंचर के टूल बॉक्स वगैरह सब यही मिल जाता है। बाकी इसके स्पेयर व्हील की बात करोगे ना तो स्पेयर व्हील को आप एक्सेस तो यहाँ से कर सकते हो लेकिन होगा यहाँ पे नीचे और एग्जैक्टली सेम साइज का है। तो भाई ये था टाटा पंच बेस वेरियंट CNG, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी मुझे लगती है। अगर आपको बड़ी फैमिली मतलब बड़ी मतलब 5 लोग हैं फैमिली में और स्पेस अच्छा खासा चाहिए, बजट कंस्ट्रेन है थोड़ा सा, तो ये वाली गाड़ी आप ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। जो कोई भी CNG गाड़ी ले रहा है ना उसको ये शेयर कर देना। बाय बाय।